दोस्तों, चालाकी से बात करने का मतलब आप अपनी बात दूसरों से बड़ी ही आसानी से मनवा लो, उसे कन्विंस कर लो। चालाकी से बात करने का मतलब ये भी है कि सामने वाले को लगे कि उसका काम हो रहा है, बट एक्चुअल में आप अपना खुद का काम कर रहे हो। दोस्तों, लाइफ में क्वालिफिकेशन से ज़्यादा मायने रखती हैं वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक बिजनेसमैन, फिर चाहे आप एक ऑर्डिनरी पर्सन ही क्यों ना हो, ये स्किल्स आपको आनी ही चाहिए। आप दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन तभी डाल पाओगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी। लेकिन कैसे? डोंट वरी, आज के इस वीडियो में जानेंगे वो 3 टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, 3 essential elements for 90 seconds। अगर आपको किसी भी इंसान को इम्प्रेस करने के लिए 90 सेकंड दिया जाए तो आप ऐसा क्या करेंगे कि वो पर्सन आपसे इम्प्रेस हो जाए? दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है, आपकी बॉडी, आईज, फेशियल एक्सप्रेशन आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। बॉडी से अगर स्टार्ट करें तो आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी बॉडी सामने वाले पर्सन की तरफ एम कर रही हो। आपके पैर इधर उधर नहीं है बल्कि आपकी पूरी बॉडी सामने वाले पर्सन की तरफ इशारा कर रही हो, वो आपको अच्छे से देख पा रहा हो, तो ये आपकी सिंसियरिटी को शो करता है और ये दिखाता है कि आप उनसे अट्रैक्ट होना चाहते हो। टिप नंबर 2, बी एफिशिएंट। सेल्स वर्ल्ड में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, किस वर्सेस स्किल का। अब किस का मतलब आप गलत मत समझना, यहाँ किस का मतलब कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, किल का कीपिंग इट लॉन्ग एंड लेंथी। ज्यादातर सेल्समैन अपने कस्टमर को जरूरत से ज्यादा डिटेल देने लगते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं, इससे वो सेलिंग में फेल हो जाते हैं। और वहीं अच्छे सेल्समैन किस अप्रोच को फॉलो करके अपना काम कर देते हैं। सो यही कॉन्सेप्ट आपको अपने रियल लाइफ में फॉलो करना चाहिए। आप जिस पर्सन से बात करना चाहते हो उसके सामने आप अपनी बात को शॉर्ट एंड सिंपल रखो, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, आप उतना ही बोलो जितना की जरूरत है, ना कि फालतू। टिप नंबर 3, कम्युनिकेशन। हम किसी से कैसे बात करें कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे, मतलब किसी भी इंसान से रिस्पेक्ट पाने के लिए हमें कैसा काम करना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है तो आप बहुत सारे लोग का नाम लेंगे, जैसे सिस्टर्स, ब्रदर्स, हस्बैंड्स, वाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मगर मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आप खुद ही हो। जी हाँ दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके दो फ्रेंड्स हैं, जग्गू एंड राजू। जग्गू आपसे बोलता है, भाई आपकी टी शर्ट का कलर बहुत ही अच्छा है, और वहीं राजू बोलता है, ब्रो ये टी शर्ट आप पर बहुत जच रही है। तो आपको सबसे ज़्यादा जवाब किसका पसंद आया होगा? ऑब्वियसली राजू का। आप थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करके आप किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।